Sidhu sahab, what a rough and tough game today. मेरे ना तीनों फेफड़े फूल गए आज. तीन फेफड़े? डॉक्टर साहब दो दो होते फेफड़े. दो होते हैं. अच्छा दो होते हैं? हाँ. पर मैं थोड़ा डॉक्टर, मुझे क्या पता फेफड़े फूफड़ों के बारे में. हेलो सेना. हेलो सेना. हाय. हेलो डॉक्टर. डॉक्टर मशहूर गुलाटी. वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर. अच्छा लगा आपसे मिलके. मशहूर गुलाटी टीकेएस कौन सी डिग्री है भाई? टीके द कपिल शर्मा शो. अच्छा बैठी साइना, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको. बड़े गेम है. अरे डॉक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं, भाग जाइए ना. कौन सा गेम खेल के आ रहे हैं? मैं अपना बैडमिंटन. मेरे को तो बैडमिंटन का शौक ही बहुत ज्यादा है ना. ये बैडमिंटन वैसे कम खेलते हैं, मरीजों की जान से खेलते हैं ज्यादा. ये आप बिपाशा की तरह क्यों बैठ गए हैं आप? थोड़ा इसको नीचे करिए इसको. तुम यहाँ नजर रख के क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बात कर रहे हो ना. स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा ऐसे करके. स्टाइल से यार थोड़ी बड़ी नहीं मिल गई. आप कॉन्शियस कर दिया, रुक जाओ एक मिनट. अब ठीक है? परफेक्ट. सेना आई एम ए बैडमिंटन फ्रीक. ये रैकेट कौन सा रैकेट है? मच्छर मारने वाला. ये तो बैडमिंटन रैकेट तो नहीं लग रहा है. अच्छा वो ले आया मैं. अच्छा उसी से खेल लिया. मच्छरों को मारा है या शटल के साथ खेला है? नहीं नहीं इससे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मच्छर तो जीप से खींच रहे थे. मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है. मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना ये बंद कर सको तुम. सेना आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ. जी बोलिए. सिद्धू साहब मैं बैडमिंटन खेल रहा था और ये लोग कुश्ती पे उतर आए. बाकी वो क्यों? क्या हुआ कि जैसे इतना बड़ा लंगोट पहन के जाओगे कुश्ती करेंगे? अगले ढंग के कपड़े पहन के जाओ आप. क्या यार तुम मेरी टांगों लंगोट के पीछे क्यों पड़े हो यार? यही लंगोट मैंने तुम्हारे गले पे बांध के कस देना मैंने. अच्छा ये मैं मैच चल रहा था, वी वर प्लेइंग, और इन्होंने ना मेरी पीठ थपथपाई. मुझे लगा शाबाशी देते हैं. जी उसके बाद जब जमीन पे लेटा के भी मुझे शाबाशी देते देने लगे ना ये. तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं ये तो कुश्ती के मूड में है. मैंने आपका एक मैच देखा था, आपको लिटा के शाबाश दे रहे थे, फिर वो थक गए, फिर उन्होंने जूता उतार के ऐसे शाबाश दी. मैंने देखा था आपका गेम पसंद आई है, अगले वो दे दिया शाबाश. They like my game. But, आप बैडमिंटन खेलते कि और भी कुछ खेलते डॉक्टर साहब? मोस्टली बैडमिंटन. Like China, I play, like to play badminton. तो आप international level पे खेलते हैं या? मतलब मेरा passport नहीं पहना. पता नहीं क्यों मेरी जब फोटो खींचते मेरी आंखें ऐसी आ जाती है. वो मैच नहीं करती. आपने बॉर्डर पे जाके खिंचाई थी ना, दो कंट्रीज का मैच था, आप बॉर्डर पे जाके फोटो खिंचवाई थी आपने, इसलिए आपकी ऐसी आई थी. तुम्हें मेरी सारी हिस्ट्री पता है? आई एम द डॉक्टर, मेरे से बहस नहीं करनी. पर मुझे किसी ने बताया कि आप सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, इसलिए पूछा मैंने. सांप सीढ़ी वेरी गुड. उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती ना. उसमें डब्बी चाहिए होती है, वो मेरे पास है. ओके सेना यू आर हियर, सो आई वुड लाइक टू डू योर फिटनेस टेस्ट इफ यू डोंट माइंड. ठीक है. ये आप ये पहने ग्लव पहने हैं? बिल्कुल. इज इट लेफ्ट और राइट? राइट. ओके दोनों तरफ होता है ये. डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? निकला ना लेफ्ट. आपने लेफ्ट दिया है. देखा दोनों तरफ होता है ये. बड़ी MBBS की है तुम. 10+2 करके शो चला रहे हो. पहन दियो. अरे पहन रही पहन रही. जल्दी कर रहा भाई. हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. पूरा फिट है. देर में तो गोल कर देती हो तुम. अरे नहीं हो गया. गोल नहीं बैडमिंटन. हाँ क्यों? फुटबॉल नहीं खेलती हूँ. बैडमिंटन में गोल नहीं होता? नहीं. रेडी? बेवकूफ डॉक्टर इनको इतना भी नहीं पता बैडमिंटन में सेंचुरी होती है. देखो मैं जीतने हारने के लिए नहीं खेलता. आई जस्ट प्ले फॉर द फिटनेस. फिटनेस हो गया आप? टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल. आप बिल्कुल फिट है, उतार दीजिए इसको. अच्छा ठीक अभी अभी उतार. डॉक्टर साहब. हाँ जी.
ये ग्लव्स आपको टेस्ट करना था फिट है तो ये इंजेक्शन क्यों निकाल रहे थे? मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे तुम्हारे ठोकने के लिए तो निकाल। डॉक्टर साहब आप हमेशा आते हैं ये। अभी तो देखो इधर से दिखा नहीं था क्या हो गया ये कहां से चिपक गया ये? नहीं नहीं वो डर गया था उसने कहा ठोक दे के पीछे ठोकना दे ता करके वो लगा के पीछे लगा के उठे। आपको पता है डॉक्टर साहब भले हम भले मजाक करें लेकिन ही इज अ वेरी नाइस काइंड पर्सन। डॉक्टर साहब आई रियली अप्रिशिएट योर सोशल वर्क। आप प्लीज साइना के पास बैठिए एक मिनट दो मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब इतने काइंड है आपको पता है पाजी ये लेडीज के लिए बहुत सोशल वर्क करते हैं। हाँ। इन्होंने 1640 जुओं को यहाँ घर दिया हुआ है। मच्छर आपके सर पे इतने मैं चेक करता हूँ अभी एक सेकंड रुको जरा। मच्छर एक भी नहीं होगा कोई आएगी नहीं ट्रेंड जुए हैं सारी। ये कितनी जुए हैं मच्छर आपके इतने हैं? तुम्हारे ऊपर ना जू हत्या का केस पड़ेगा। We will have a badminton game sometime soon and best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you so much. आपका घुटना दिख रहा है। देखो अगर मैं नीचे करूंगा ना तो फिर मेरा चल। अच्छा वो आपकी नर्स होगी तो दो मिनट भेजना बात करनी है। बम्पर नहीं नहीं बुलाता हूँ उसको नहीं बम्पर देखो बुला रहे नहीं नहीं बुलाता हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि साइना के पिताजी और माताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आप भी बैडमिंटन खेलती रही हैं? हाँ सिद्धू जी कमाल कर दिया। मैंने यही सोचा था कि दोनों स्टेट लेवल खेले हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा से कौन पापा मम्मी दोनों डबल्स भी खेल गए। तो आप दोनों भी बैडमिंटन खेल चुके हैं स्टेट लेवल पे जी, हाँ। डबल्स भी खेले हैं जी। उसके बाद ही आप डबल हुए हैं? नहीं नहीं आप मतलब बाद में सिंगल हो गए लड़ाई कर कर के। क्योंकि नहीं नहीं तो मैं मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो आंटी आप कहाँ मिले थे अंकल को पहले बैडमिंटन कोर्ट पे? वो क्या है कि कोर्ट पे ही मिले जी। मेरे सिर पर रैकेट मार दिया तो मैंने कहा कि भैया आप अलग खेलो मैं अलग खेलती हूँ। एक्चुअली शादी के बाद ही मतलब खेलना शादी के बाद ही शुरू किया। शादी के बाद ही खेलना ऐसे ही होता है। शादी हो जाती ना फिर आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बस यही थी शादी चलो खेलो फिर आदमी कहता नहीं यार स्पोर्ट्स अच्छी है। नहीं उसके बाद क्या हुआ डबल्स खेलते खेलते एक दिन पापा ने बाय मिस्टेक इधर रैकेट मार दिया। अच्छा तो उसके बाद मम्मी ने अब नहीं खेलने वाली डबल्स तो जब से सिंगल्स खेलना शुरू कर दिया इन्होंने तो दूसरा पार्टनर चूज कर लिया मैंने। नहीं पर अंकल तो सेम ही है ना मतलब जब से बोलना चालू हुई वही बोल रही है वो आराम से सुन रहे हैं बिल्कुल। अभी मौका नहीं देंगी। अच्छा पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो अंकल ने काफी बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए थे। आज आंटी साथ में तो अंकल क्या हो गया? ऊपर से आपने सफेद कुर्ता मैम पहन लिया शांति का प्रतीक। भाई शांति अच्छी है। पाजी आपका कभी क्रिकेट खेलते हुए लेडीज क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं हुआ कभी? 27 साल पहले मेरी शादी हुई थी तब से वो मैच चल रहा है गुरु। पर पाजी बड़े सॉफ्ट हैं अगर इनका महिला टीम के साथ मैच होता ना तो पाजी कभी ऐसे बॉल फेंकते नहीं पाएंगे ना गुरु महिला तेरे लिए ऐसे ये ले। बड़ा ही बदमाश आदमी है यार। इनकी जो शटल होती है हम उसको चिड़ी बोलते हैं। चिड़ी सिक्का तो चिड़ी जो होती है ना तो ये तो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो नहीं ले आते ना। हाँ। हमारी चिड़ी पहले तो पूरी फूल बना होता ना उसके बाद ठक 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 करके चिड़ी के सारे पंख ऐसे खुल जाते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते जब तक जैसे होता है जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो दांत चलना पोपला है ना हमारी चिड़ी पोपली है तो उसको रैकेट मारता वो गालियां देती जाती है कमबख्त अब तो छोड़ दो। ओह माय गॉड इट्स सो फनी इट इज फनी। सीरियसली ऐसे ही होता है? असली हंसी आई अब तू चिड़ी से चिड़ा बनाई हूं करके होती है
एक टाइम पे इतना फैल जाती ना कि उसका वो जो पीछे वो स्लो स्टेडियम्स में ऐसे ही होता है, जहाँ पे कंडीशन स्लो होती है ना वो ऐसे ही फूल जाती है शेड्यूल खुल जाती है पूरी ऐसे जैसे क्या मैं तो स्मैश मारना मुश्किल हो जाता है। सही बात में लग रहा होता है उसको देख के कि बुला रही आग गले लग जा। साइना सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहती हैं अपने फैंस के लिए, कोई अगर मैच खेलने जा रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कोई पिक्चर, तो मोबाइल का कितना खर्चा आ जाता है अपना? मतलब वो तो पापा को पता होगा लेकिन मैं तो मस्त यूज करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब दबा के लड़कियों को अच्छा लगता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, अच्छा लगता है। अच्छी बात है। पापा कितना बिल आ जाता है वैसे? 1,00,000। वो भी उधर ही, किधर किधर है वो बोलो आप। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ पिछले महीने में 40,000 इनके, 40,000 इनके। और सर आपके कितने थे? आपके फंस गए। मेरे तो 200-250 रुपए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। साइना थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रोमिंग ये वो सब आ गया, ठीक है। अंकल तो आपके पास है, आप किनको फोन कर रही थी 40,000? नहीं, बाय मिस्टेक हो गया वो। हाँ, पापा ने मम्मी का फोन रिचार्ज करने के लिए, जो बिल पे करने के लिए, उस टाइम पे 4,000 की बजाय 40,000 डाल दिया। अच्छा। हाँ। मेरे लिए तो ये 2,000 भी नहीं भरते, अपनी मिस्टेक है इनकी खुद की। ये सही बोला है। नहीं, लेकिन जीत के आपको इतना अच्छा लगता है ना, तो आप कुछ मतलब कहाँ हो कुछ महसूस नहीं होता। राइट। मेरे को बस जवाब देने से मजा आता है बिल्कुल। एक्चुअली लोगों का क्या जा रहा है, 50 पैसे की कॉल। हेलो, रोजाना संध्या से बात कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है जीत के? उनको क्या पता वहाँ पे कितने की कॉल पड़ती है। तो भाइयों वापस आला नहीं दिया करो, उसके बाद किया करो कॉल यार। बहुत खर्चे होते हैं। अच्छा, मैं मुझे ना एक बात पूछनी थी आंटी आपसे, ऐसे ही मतलब अभी जैसे जब नई नई शादी होती है तो आप अकेले मियाँ बीबी होते हैं, फिर बच्चे आ गए, फिर जिम्मेदारी आ गई बच्चों को पालने पढ़ाने की, स्कूल भेजने की। आपके 2 बच्चे हैं और भगवान की दया से दोनों बच्चे बड़ा अच्छा है अपनी जगह पे, बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी वैसे इंटरनेशनल घूमती रहती है, तो दोबारा आपकी जिंदगी में वैसा रोमांस आया मतलब ऐसे? अच्छा, इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। अच्छा। अभी मैं बैंगलोर में ट्रेनिंग करती हूँ और पापा हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा। हमारा घर वहाँ पे है और वो मेरे साथ ही रहती है मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि वो ज्यादा गेम में इंटरेस्टेड है, ज्यादा वो इन्वॉल्व होती है, और पापा अकेले हैदराबाद में रहते हैं। मिस नहीं करते अंकल को आप? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करती। बच्चों को ही मिस करती हूँ बस। सर ऐसा है कि जो साइना और इनकी मम्मी हैं, इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया है। मैं 18 वर्ष से हैदराबाद में हूँ। अच्छा। और मैं खुद खाना बनाता हूँ। अच्छा। साइना को भगवान की दया से World No. 1 भी बनी, लेकिन World No. 1 एक कमरे में, छोटे से कमरे में एकेडमी में रहती है। प्रतिदिन भारत सरकार इनको 3,000 रुपये किराया भी देती है, लेकिन उसको यूज नहीं करते है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं खाना बनाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कई दफ़ा। क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी तपस्या है सर, आज आपकी बेटी जो है वो पूरे विश्व में आपका नाम रोशन कर रही है। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। और एक और बात कहने की है। जी सर। हमारा जो पंजाब और हरियाणा में वुडन कोर्ट है, हुआ कोर्ट नहीं है, जबकि हैदराबाद में 200 कोर्ट्स है। साइना भी जब वहाँ से निकल के आई है, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ पंजाब और हरियाणा, नॉर्थ इंडियंस आ सकते हैं, बहुत आ सकते। जी जी, बहुत स्कोप है। अगर आप चाइना को देखो, कोरिया जिनकी ये बात कर रहे, दे कैच देम यंग। वो 6 साल की उम्र में जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको स्कूलिंग भी करवाते हैं। 6 नहीं सर, 3 साल से ही बैडमिंटन प्लेयर्स। तो देखना ये फर्क देखो कितना है। सिद्धू जी, ये World No. 1 भी हो गई लेकिन इसे कहीं लैंड नहीं मिला। बोले कि तुम हरियाणा की हो तो तुम जाके हैदराबाद से लो, हैदराबाद से खेलती हो। तो हैदराबाद वाले बोले हरियाणा से लो, तुम हरियाणा के हो, और बाकी बोले नहीं तो यूपी से लो, तुम्हारे फादर है ना यूपी के हैं। तो अब बताइए अब कहाँ से मिले साइना को। पर दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये इंडिया की तरफ से खेल रही हैं? नहीं, ये कोई नहीं जानता। जैसे अंकल ने भी बताया कि पंजाब हरियाणा में इन चीज़ों की बड़ी कमी है, तो मुझे तो लगता है हर स्टेट में ऐसी लैंड मिलनी चाहिए जहाँ पे ऐसी अकेडमीज खोलें, जहाँ पे जो यंग टैलेंट है उनको और निखारा जाए इनकी सरपरस्ती में, ताकि साइना जैसी और भी बच्चियाँ जो हैं, जो भी बहुत छोटी उम्र में अच्छा खेलती हैं, उनको अच्छी सरपरस्ती मिले और हमारे देश का नाम रोशन करे। साइना आप इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, आपको पता है आपने कभी नोटिस किया एक रैकेट और भी आते हैं, उसके बटन लगा होता टिच करके मच्छर मारते हैं।
वो कभी आपने रखा है? किया है मैंने वो भी। यूज़ किया कभी? मच्छरों को मारने के। आप तो मतलब ऑल आउट करती होंगी। पापा ने बताया ना जिस रूम में मैं रहती, छोटे से रूम में, एकेडमी में, उधर यूज किया है मैंने। साइना कमरे में तो आती नहीं होंगे मच्छर? ओहो साइना नहीं 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 ये तो ढूंढ ढूंढ के मारेगी। साइना की मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं तो हम ट्रायल बेसिस पे स्वयंवर रख रहे हैं। अगर कोई लड़का इम्प्रेस कर गया साइना को तो उसको हम बाहर निकलवा देंगे। ओके तो कौन मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो साइना को इम्प्रेस कर सकते हैं? एक, दो, ढाई, तीन। आप दो आप आ जाइए और एक आप हैं। ओके आइए। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है। नीरज? Yes. नीरज आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप? ओके okay. आप लवकांश गर्ग फ्रॉम हरियाणा। आप लवकांश हरियाणा से? हाँ जी सर। और आप ब्रदर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नैनीताल से। नैनीताल से आए? Yes. तो मौसम तो बड़ा ठंडा होगा वहाँ पे। हाँ, बहुत कूल है ना। अपना नाम नहीं बताया ब्रदर। हिमांशु आर्य है। हिमांशु आर्य। तो हिमांशु आप क्या करते हैं नैनीताल में? मैं अभी बीए चल रहा है मेरा। बीए चल रहा है? चलता रहेगा। कहाँ तक चला गया है? क्या सब्जेक्ट है आपके? ऑल साइड से है जी। ऑल साइड? आठ साइड। आठ साइड? ये क्या होता है? आठ। हाँ वो तो समझ गया। तो लेकिन ग्रेजुएशन में चार पांच सब्जेक्ट होते हैं ना? हाँ मेरे है ना, फोर सब्जेक्ट है मेरे। इको है, हिस्ट्री, इको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? यस। पूरा क्यों नहीं बोलते? यही चक्कर रोटी में भी होगा, आधी खा के छोड़ देता है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री? हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ। बाबर कब आया था भारत? मैंने पूछ लिया भाई, इसमें क्या गलत है यार? इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाया। इतनी नहीं पता? तो चलो बाबर गया कब था ये पता? पढ़ता है वो। हिस्ट्री में पढ़ता है वो। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं बाबर कब आया था? नहीं सर। अच्छा ये बताओ शाहजहां जो था उसके हेड कांस्टेबल का नाम? अच्छा चलो एक बात बताओ, भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। नहीं, पूरी बात सुन लो, आज से 25 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी। अरे अच्छा भाई मैं अभी पेपर होने ना, आपके एग्जाम होने ना, हिस्ट्री के नंबर बताऊं मैं? साइना आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़का आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है उसमें क्या गुण होना चाहिए? देखिए जैसे मैं प्लेयर हूँ तो इजी रहेगा अगर वो भी प्लेयर है तो, और खास तौर पे बैडमिंटन खेलता हो तो, क्योंकि पूरे टाइम पे हम कोर्ट पे रहते हैं और इतना टाइम नहीं मिलता है। देख लो भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, सारा टाइम कोर्ट में रहते हैं और आप पेंट में बड़ी मुश्किल से आए। तो आपको इनके साथ मैच खेल के देखना है आपको, बता। कहाँ से छुट्टी हुई? अच्छा मुश्किल से। अच्छा तुम ऐसे तो नहीं बैठ सकते? बैठ के बताओ ऐसे ऐसे घुटने मोड़ के। घुटने तुम्हारे तीखे, पेंट फट रही है। ओके साइना, साइना आपको इनके साथ मैच खेल के देखना है। यस यस पक्का। हिमांशु आर यू रेडी? यस। तो ठीक है एक एक करके खेलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तीनों के साथ? वो तीनों एक तरफ, आप एक तरफ? मैं एक तरफ। क्या बात है, लेके आओ जरा रैकेट। चार मैं भूल गया, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर, आपको क्या, ये तो हाथ से भी चला लेंगे काम। ये लो भाई शटल आनी चाहिए इस तरफ, ठीक है? हाँ। तो आप सब देख रहे हैं एक तरफ साइना नेहवाल और एक तरफ से बुरा हाल। भाई अगर तुम्हें नहीं खेलना जाके खाना भी ना खाओ जाके। मैं भी आपके साथ खेलूं, चलो थ्री चलो। Yes, one love, one love. One love. One love. I don't love. Okay, चलो। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.